पापा आ चुके हैं सामने से जज अजा राजा बाहों में समाजा। थ्री, ये क्या है भाई, आगे से क्या बना दिए, ये आगे से क्या है ललित, दोनों छपरी बच्चे, दोनों छपरी बच्चे, दुनियादारी चो जो तराश बनते अपने रख विश्वास बनते। ये जो जेब पत्रे उधर रोड में चलती लड़की को छेड़ते हैं, आम जे मुंडे भी ने खास बनते, आम जे मुंडे भी ने खास बनते। वेलकम बैक टू अनी व्लॉग। तो गाइस जैसा कि आपने कल के व्लॉग में देखा कि भैया ओम ने अपनी इतनी प्यारी इतनी स्ट्रॉन्ग आंखें जो थी उसकी भाई वो उसने खराब कर दिए, फोन में देख देख के इसने अपनी आंखों का सत्यानाश कर दिया है। तो कल भैया जी मैं इसकी आंखों का चश्मा बना के ले आया था, इसने पहन भी लिया था और अब बारी आती है पापा और मम्मी के रिएक्शन की। तो बस पापा और मम्मी के रिएक्शन कैसे रहते गाइस तो वो देखो आप, बाकी रिएक्शन देखने के बाद फिर मिलते हैं भाई। पापा आ चुके हैं सामने से जज और भाई यहाँ पे टकला रेडी है भाई, मेरे दोस्त मेरे भाई मेरी जान, आजा 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 राजा बाहों में समाजा, आ गया है हमारा दोस्त। उद्घाटन यहाँ बैठना, यहाँ बैठ, वही छपड़ी चाल में कटा के लाया हुआ, 100 रुपए 50 रुपए में कटिंग होती है, 100 रुपए दे के आ रहे हो, शर्म कर लो थोड़ा सा, 50 रुपए में कटिंग होती है और 100 रुपए पे करके आ रहे हो, बाल कटा के ला रहा है, दिखा जरा, पहले ही बोल दिया मैंने, इतना दिखाओ दिखा। मम्मा आ जाओ, मम्मा आ जाओ, मम्मा मम्मा आओ, आज उसके बाल देख लो, बाल भी चश्मा भी सब देख लो, चश्मा भी लग गया। 1 2 3 ये क्या है भाई, ये तो मिस्र की मम्मी का जैसा क्या बना लाया, आगे से चिच्ची आगे से क्या बना दिया, ये है पास कार्ड, दिखा भगवान, ये आगे से क्या है ललित, बॉक्स जैसा क्या बना दिया आगे से, पापा नया स्टाइल आया मार्केट में, दो दो छपरी बच्चे। अच्छे बाल तो है, ठीक है, पीछे क्या है, लेकिन स्कूल में घुसे देंगे, अच्छे नहीं लग रहे। अब आती है बारी चश्मे की, बाल कैसे लगे आपको, बाल वैसे ठीक है लेकिन यहाँ पर नहीं अच्छा लग रहा है मुझे, माथा में। अब आता है चश्मा, ये जो जेब पत्रे होते ना, जेब कतरे चप्पल चोर भिकमंगल लौंडे, चश्मा देख लो, जो रोड में चलती लड़की को छेड़ते हैं, चलो चश्मा देख लो, दुनियादारी चो जो तराश बनते अपने रख विश्वास बनते। महादेव का मुंह से भी बड़ा, मुंह से बड़ा चश्मा, और चश्मा आंखें पता है क्यों करी है इसने, मोबाइल में देख देख के, बेटा मोबाइल देख, आंख खराब हो गई, अब चल लग गया चश्मा, और सुन अब चश्मे का नंबर बढ़ता रहेगा, अगर चश्मा कंटिन्यू नहीं बनेगा तो, अभी एक नंबर है। कहने का मतलब यह है ना, मेरे को कहा था कि समय बढ़ रहा है, धीरे धीरे आंखें कमजोर हो रही है, सारे बाल ठंडे होंगे मौसम का, तो इसलिए तुम इससे ले लो बेटा, जिंदगी को एंजॉय कर लो, जो समय है उसको एंजॉय करो, मोबाइल हमको दे दो। मेरी आंखें तो बचपन से खराब थी भाई, क्लास 5th से, ना तब फोन था ना कुछ, ऐसा क्या पता क्या हुआ, ऐसा आया यार पटाखे सारा मेरे को इतना, अच्छा चुपचाप आया करा, पापा एक बात कर दी, पापा एक बात करा, क्या है जल्दी बोले यार, नाटकबाजी मत कर, पापा एक फोन दे दो, फोन की रिक्वायरमेंट है मुझे, क्यों इसको शर्म नहीं है, 30,000 रुपए का फोन इसके लिए देखो, आप लंबा फोन हाथ में पकड़ रहा, उसका रिजल्ट हमें ये मिला, किसने आपकी आंखें खराब, और ये लक कैसा रहा, तो बेकार लग रहा है, पापा फोन लो उसका, पहले फोन लो आप लोग, फोन जमा करो पहले इसका, ये लक कैसा रहा, हंसो एक बार, दांत दिखा ओफो, इसने अपने लुक्स की रेड पीट ली, इतना सब लोग अच्छा बोल रहे हैं जिनसे अभी तक कुछ पाया है, आग से बाल कैसे, बेटा ये उम्र ऐसी होती है, माँ बाप गलत लगते हैं, याद रखना माँ बाप गलत लगते हैं, बाहर वाले सब अच्छा लगते हैं, और जो इस उम्र में माँ बाप को अच्छा बता देगा ना, बताएगा उसकी उसका कैरियर बन गया, समझ लो बस कट, इसी को तो बोलते हैं बस कट है बेटा, बाहर वाले अच्छा करे ना, बाहर वाले अच्छा करे तो ठीक है, चश्मा इतना गंदा लग रहा है, मुंह इतना छोटा सा, चश्मा इतना बड़ा, ढक्कन चबा रहा है, मम्मा ढक्कन चबा रहा है, ये उतनी काटने को आ रहा, देखो काटने को आ रहा। तो कैसे लगे रिएक्शन देख के मजा आ गया ना भाई, तो ये रिएक्शन थे घर में कुछ पापा और मम्मी के। बाकी स्कूल से आने के बाद खाना खाने के बाद टन होके 2 घंटा सोता है, वो भी नंगा, ऊपर से नंगा सोता है, देखो ये देख रहा नंगी नंगी की बॉडी, और ये देखो भाई साहब का नया चश्मा, मेरा चश्मा इतना छोटा सा है, ये प्यारा इतना छोटा सा, चाय उबल गई, ये देख रहे हो आप, ये देख रहे हो, ये है मम्मी के कारनामे, आपको बिल्कुल फुल आंच मर के गई मम्मी, और गई कहाँ, साक्षात बाथरूम में, ये सोनू पोनू मत करो, आपकी चाय गिरते गिरते बच गई, आपकी चाय गिरते गिरते बच गई, कॉफी है वो, ओ
अभी बज रहे शाम के 6 और भाई साहब छोटा पैकेट बड़ा धमाका आने वाली है हमारे घर में, मतलब दादी आने वाली है। तो दादी अपने घर से निकल चुकी है, तो बस अब मैं निकलता हूँ वहाँ से और दादी को निकालता हूँ। चलो तो भाई सामने दादी आ रही है। दादी प्रणाम। बैठो 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 फटाफट बैठो। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो भाई दादी हमारे घर में आती है तो कुछ ना कुछ लेके आती है। आज दादी ने कुछ लिया नहीं तो कह रही कुछ लेके जा भाई, कुछ लेके ले अपने लिए। तो पैसे भी दे रही है भाई, ये देखो ये है दादी का प्यार। मैं कह रहा हूँ मतलब लेकिन कह रही है ले ले ले। तो चिप्स लेते अंकल जी, मैं 2 चिप्स ले रहा हूँ 10-10 रुपए के, ये ले लेता हूँ मैं। तो गैस अभी आ चुकी दादी घर में और दादी बैठी मम्मी के सलून में मम्मी के साथ। ये देखो दादी कह रही है आज जितने भी क्लाइंट आएंगे जितने भी ग्राहक आएंगे सबको अटेंड मैं करने आ रही हूँ। अच्छा काम आज आप करोगे? दादी कह रही मेकअप मैं कर दूंगी आज। मेकअप में क्या करोगे आप? क्या करोगे? सब क्रीम पाउडर लगा देंगे। क्रीम पाउडर जो लगाते हैं आप लगाओगे? और खाते अभी दादी का प्यार अपने कुरकुरे जो दादी लाई है हमारे लिए। डर गया। हेलो कैसे हो आप? अरे भाई साहब प्रणाम, आशीर्वाद आशीर्वाद। क्या नाम है? गौरांश। प्रणाम कर रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड। दादी भी अंदर। ओ भाई साहब ऐसे सर्च करता है भाई ये। ये देखो वेरी गुड हाई फाइव। अच्छे से मारो अच्छे से। ये कल के व्लॉग में आ गए ठीक है। अब आप कल फोन में आओगे ठीक है? ठीक है। तो गाइस दिव्यांश पांडे की गैंग आ चुकी सामने। तो भाई घर में ना एक बहुत बड़ा कांड हो गया है, बहुत बड़ा कांड जो कि सिर्फ मुझको दादी को ओम को और मम्मी को पता है, पापा को नहीं पता इस बारे में। और जो कांड है ना भाई वो कांड हुआ है सिर्फ इसके चक्कर में, इस चिप्स कुरकुरे के चक्कर में कांड हो गया है। और भाई साहब कांड क्या है, कांड क्या है वो आप कल के व्लॉग में देखना भाई। खतरनाक वाला कांड है। क्या कांड हुआ मम्मा? खतरनाक कांड। और कांड हुआ है तो जस्ट बिकॉज ऑफ चुलबुल और टकाटक की वजह से कांड हुआ है भाई। इसने ऐसा कांड करा कि भाई साहब, और वो कांड पापा को पता ही नहीं है। वो कांड हम पापा से छुपा रहे हैं, अगर पापा को बताएंगे ना भाई तो दादी घर में आ रखी है। क्या कर रहे हो? क्या चलो कुछ नहीं कुछ नहीं, मजाक कर रहा हूँ। अरे कुछ नहीं यार। भाई खाना आ चुका, अपना खाना खा रहे हैं मस्त। खाने में है राजमा भिंडी की सब्जी और रोटी। यहाँ पे पापा और मम्मी का प्यार, पापा और दादी का प्यार देखो भाई। ये मम्मी कर रही है सेवा अपनी सास की। तो गाइस दादी के आधे घर में खतरनाक वाला कांड हो गया यार। और कांड क्या हुआ दादी? खतरनाक कांड हो गया, कांड खतरनाक हो गया। क्या कांड खतरनाक हो गया ना? कांड घर में नहीं तो अरे कांड नहीं हुआ घर में? अभी हमारे घर में? हाँ अभी अभी वहाँ यहाँ नहीं तो। अरे कुत्ते ने काटा जो? अरे ये नहीं बोलना है दादी, ये नहीं बोलना है। अच्छा क्या बोलना है फिर? है कांड हुआ का बोलना है? हाँ कांड हुआ ठीक है। नहीं तो ऐसा नहीं बोलना है फिर। क्यों नहीं कहते? कांड कहाँ हुआ? तो कांड तो हुआ है, तब भयंकर कांड हो गया भाई। क्या हुआ? खतरनाक कांड हो गया। किसको काटा, कहाँ काटा, कैसे काटा वो सस्पेंस है भाई साहब। और ये बात पापा को नहीं पता है अभी, क्योंकि अगर बताऊंगा तो घर में कांड हो जाएगा। पापा भयंकर गुस्से में आ जाएंगे, बिकॉज पापा को भी इस तरह चुलबुल ने काटा था कुछ 10 दिन पहले और दोबारा काट दिया। किसको काटा है? दादी को, मेरे को, मम्मी को, ओम को, किसको काटा है वो सस्पेंस रहेगा। और कैसे काटा है, कहाँ काटा है, क्यों काटा है वो सब देखना आप कल के व्लॉग में। भैंसा मैंने A to Z सब कुछ व्लॉग बनाया है, बिल्कुल शूट करा हुआ है। और भैंसा पापा को मैं बताऊंगा कल, तो भाई पापा बहुत भयंकर गुस्से में आने वाले, बिकॉज भाई पापा कहते हैं कि अपने कुत्ता अपने लोगों को काट रहा है। तो भाई वो बहुत गलत बात है कि ये जो पिल्ला है ना भाई अपने ही लोगों को काट रहा है भाई साहब, ये बहुत बिगड़ गया है। अब किसको काटा है वो तो सस्पेंस है, वो कल देखना आप। बाकी तो भाई मतलब दिमाग खराब हो गया दादी यार, एंजॉय करते आप आए थे यार, क्या यार दिमाग खराब हो गया। अब पापा के सामने एक्टिंग करनी पड़ रही है कि सब कुछ नॉर्मल है। या,
वेजिटेबल नहीं काटेगा, बिल्कुल नहीं काटेगा। दादी को काटो, दादी को काटो, बिल्कुल नहीं काटो, दादी को काटो, काटो नहीं, बिल्कुल नहीं, ओ बस नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, चल नो 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 नो